अलवरगेट थाने में आज दो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता ने अपने सौतेले बाप पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं एक रेलवे कर्मचारी ने शादी का झांसा देकर एक पीड़िता के साथ 4 साल तक शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों ही मामले में अलवरगेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सौतेले बाप को अलवरगेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सौतेले बाप का नाम सोनू जायसवाल पालवीचला निवासी है। पीड़िता के अनुसार आरोपी हिमांशु माथुर है, जो रेलवे कर्मचारी है। पीड़िता को उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ 4 साल तक बेशोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी शादी से मुकर गया, जिस पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। एक रिपोर्ट दी है आज आपने? मैंने इस तरह की दी है, जो मेरा पैसा भी है और मेरे से शादी के वादे भी किए। 4 साल से मेरे साथ में मेरे को रखा इसने, सब चीज़ें मेरे जो भी चल रहा था, केस वगैरह जो भी चल रहा था, उस तरह से इसने भी रखा मेरे को। फिर बाद में ये अधिकार देने के लिए मना कर रहा है, ना मेरे बच्चों को अपनाने के लिए भी नहीं कह रहा है। बोला नहीं, मेरे पास इतना नहीं है, ना दे सकूँगा मैं। बच्चे छोड़ने के लिए इसने बात करी है, वो जब से फिर मेरे क्या बोला, मेरे बच्चे में आज छोड़ूँ ना कल छोड़ूँ, मेरे पैसे भी दिला जाए और मेरे को जो 3-4 साल से सोचने क्या उसका कुछ मिलना चाहिए मेरे को, शादी करे जाए। किस व्यक्ति के लिए बोल रहे हो और वो क्या काम करता है? वो रेलवे में है। क्या नाम? रेलवे में हिमांशु माथुर। किस तरीके से पहचान हुई और क्या रहा? वो जो कैंटीन का काम करती थी सर, कैंटीन के काम में ये खाने में दावत में आए थे, उस टाइम मैं काम करती थी, उस टाइम मुलाकात हुई। फिर सारी बातें इसने पूछा, मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है मेरी, केस चल रहा है 15 साल से, ऐसी ऐसी बात है। फिर इसने अपना खुद का वकील भी खड़ा करा, वो वकील के जरिए से भी इसने मेरे साथ इस्तेमाल करा इसने कि ये महिला परेशान है तो इसका साथ हिमांशु माथुर तुम देना। फिर क्या चाहते हो? मैं अधिकार चाहती हूँ कि मेरे से शादी करे, जो चीज़ की मेरे से मेरे को सब बोला ना उसने कि मैं तेरे से शादी करूँगा, ये करूँगा। अब वो शादी के लिए मना कर रहा है, मेरे को शादी मेरे बच्चों को अपना ले, नाम दो मेरे को मेरे बच्चों का। मुकदमा यही है कि मेरी जो मुवक्किल है इसको शादी का झांसा देके दुराचार किया 4 साल तक। पहले तो शादी के लिए और बच्चों को नाम देने के लिए हाँ हाँ बोला, उसके बाद में जैसे ये शादी के लिए दबाव डालने लगी तो मना करने लगा, कन्नी काटने लगा, मारपीट करने लगा, दारू पी के आने लगा, और बच्चों को भी मारपीट करता था और इसका भी मारपीट करता था, और इसका देह शोषण करने लग गया। और शादी का झांसा देके इसके साथ कम से कम 4 साल तक खूब दुराचार किया और इससे 4 लाख रुपये भी ऐंठ लिए, झूठ बोल के इधर उधर करके इसने 4 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए अलग से लिए, 4 लाख रुपए अलग से लिए, उसका एग्रीमेंट भी बनवाया और चेक भी दिए। और बाकी आज अभी फरार है वो, 4 दिन से फरार है, ना तो ऑफिस आ रहा वहाँ पे, ना थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज हो गई, अब तो अभी मेडिकल होने जा रहा है, मेरी क्लाइंट का मेडिकल होने जा रहा है, और जो भी है इसको अपना कानूनी कार्रवाई चल रही है। और हम सबकी पसंद आजाद स्वीट्स अजमेर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।